और इस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी दफ्तर पर ड्रोन से अटैक हुआ है, हमला हुआ है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब युद्ध के दौरान किसी देश के राष्ट्रपति के दफ्तर पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूस का दावा है कि दो ड्रोन सीधे क्रेमलिन के दफ्तर के गुंबद तक पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को गुंबद से टकराने से पहले ही मार गिराया, निस्ता नाबूद कर दिया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। हमले के बाद क्रेमलिन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रूस के एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया है। रूस ने साफ साफ कहा है ये आतंकी हमला है, एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पे डाल दिया गया है, जो अभी तक अपडेट सामने आई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दफ्तर है। आप देख सकते हैं ठीक इस दफ्तर के ऊपर यानी गुंबद के ठीक ऊपर ड्रोन आ रहा है और ड्रोन से अटैक किया जाता है। इससे पहले कि ये ड्रोन इस गुंबद से टकराए, इससे पहले ये ड्रोन ऑफिस के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही ये दोनों ड्रोन वहां पर निस्ता नाबूद मार गिरा दिए जाते हैं। रूस की तरफ से इसे आतंकी हमला घोषित किया गया है। रूस ने बोला है कि अब ऐसा बदला लेंगे जिसे दुनिया देखेंगी। तो इस वक्त की इंटरनेशनल ब्रेकिंग सबसे बड़ी खबर, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, लगभग एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन युद्ध अभी भी थमा नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने पुष्टि नहीं की है कि हमला उन्हीं की तरफ से किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला, इसके बाद अब पुतिन का अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि रूस की तरफ से यह कह दिया गया है कि ऐसा बदला लेंगे जिसे दुनिया देखेगी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त, ये इंटरनेशनल ब्रेकिंग है क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से अटैक हुआ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, ये जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है अपने आप में आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स व्लादिमीर पुतिन और उसके दफ्तर पर ड्रोन से अटैक, क्या मायने समझे, आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में? देखिए, तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि एक ड्रोन हमला हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, और क्रेमलिन जैसा कि आप बता रहे हैं वो दफ्तर भी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, और साथ ही साथ रिहायश भी, रेसिडेंस भी, और ऐसी जगह जो कि सबसे हाई सिक्योरिटी जोन कही जा सकती है पूरे मॉस्को में, वहां पर दो ड्रोन हमले होते हैं रात के अंधेरे में। ये हमले और धमाके साफ दिखाई पड़ते हैं गुंबद पर, जिस तरह से ये ड्रोन हमला होता है क्रेमलिन में, और क्रेमलिन आप जानते हैं कि वो हेरिटेज बिल्डिंग की तरह है, बहुत ही अभेद सुरक्षा उस पूरे इलाके में होती है, और ऐसे में ये हमला हो रहा है। अब ये तो साफ है कि हमला हुआ है, लेकिन क्या हमला ये किया गया है अभी इस वक्त ये जानकारी नहीं आ रही है कि हमला कीव की तरफ से किया गया है, यूक्रेन की तरफ से किया गया है। हालांकि ये बात रूस ने कहा है कि ये हमला कीव की तरफ से है, रूस, और रूस को अधिकार है जवाब देने का और वो अपने तरीके से जवाब भी देगा, लेकिन यूक्रेन ने अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, पहली बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है रवि कि आने वाले दिनों में लड़ाई और भीषण हो सकती है, क्योंकि रूस इसके बाद रिएक्ट करेगा, और क्या वो सीधे व्लादिमीर जेलेंस्की के ऊपर हमला करेगा, और जो कीव में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर, अब उस पर खतरा बढ़ गया है, डाउन सिचुएशन और भी ज्यादा भीषण हो जाएगी और हमले और ज्यादा तेज हो जाएंगे, और क्या ये सब कुछ हमें तृतीय विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि कीव के पीछे जितने भी देश खड़े हैं वो भी इस हमले के बाद और भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। इस घटना विशेष ने मानकर चलिए कि ये जो लड़ाई चल रही है 24 फरवरी पिछले साल से, उसे और भी ज्यादा मुश्किल और भीषण बना दिया है। रवि, ये संजीव माने कि ये बेशक टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये हो सकता है कि लग रहा है कि मामूली ड्रोन अटैक है, लेकिन इसके बाद अब दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है, अलार्म बज गई, ना सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिहाज से, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति अगला कदम क्या उठा दें संजीव ये कोई नहीं जानता।
ये बोल करके कि हम इस पर रिएक्ट करेंगे, रूस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो समय आने पर रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन कभी भी हो सकता है, ये रिएक्शन आज भी हो सकता है, और ये मानकर चलिए कि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो और भी ज्यादा भीषण होगी, क्योंकि मारक क्षमता रूस के पास जो है वो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। तो ऐसे में इस हमले के नतीजे बहुत बड़े निकलने वाले हैं। इसी बात ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी तक यूक्रेन ने मारा नहीं है, तो आखिरकार क्या रूस अपने आप ये करने जा रहा है? क्योंकि इतनी अभेद सुरक्षा होती है क्रेमलिन के ऊपर में कि किसी को भी ड्रोन हमला करने में वहां सफलता नहीं मिल सकती है। तो फिर क्या ये एक स्टेज मैनेज तरीका है, या फिर ये मानकर चला जाए कि सचमुच यूक्रेन ने एक ऐसा हमला कर दिया है जिसकी कल्पना नहीं थी? क्योंकि अभी तक जब से वॉर शुरू हुआ है, आपको याद होगा कि कभी भी जो रशियन टेरिटरी है उसके ऊपर यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया है। कोई भी मित्र देश जो है रूस के, चाहे वो बेलारूस ही क्यों ना हो, उसके ऊपर यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया है। तो क्या वो पहला हमला जो है वो रूस पर करता है और सीधे क्रेमलिन पर कर देता है? ये अपने आप में बहुत विश्वास योग्य बात नहीं है। लेकिन रूस कह रहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला सीधे यूक्रेन की तरफ से किया गया है, उसके राष्ट्रपति के निवास और दफ्तर पर किया गया है, और वो इसका बदला लेगा। इस लड़ाई को ये जो कथन है वो और भी ज्यादा संगीन, ज्यादा भीषण बनाता है। और मानकर चलिए कि आने वाले कुछ घंटों में हम जवाबी कार्रवाई देख सकते हैं, एक ऐसी जवाबी कार्रवाई जो कि ये जो हमला हुआ है इससे ज्यादा खतरनाक होगी। जी ठीक है संजीव, बने रहे। अपने दर्शकों को एक बार फिर इन तस्वीरों को ठीक तरीके से समझा देते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मॉस्को में क्रेमलिन, यानी क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति का दफ्तर, जहां पे व्लादिमीर पुतिन विराजते हैं, अपना कामकाज देखते हैं। ठीक इस दफ्तर के ऊपर दो ड्रोन से अटैक होता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दो ड्रोन अटैक हुआ है क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर के ऊपर। हालांकि दोनों ड्रोन इससे पहले कि कोई नुकसान पहुंचाते दफ्तर को या फिर पुतिन को, जैसा रूस की तरफ से दावा किया गया, ये साजिश थी पुतिन की हत्या की, ये साजिश थी पुतिन को मारने के लिए, ये रूस की तरफ से दावा किया गया। यूक्रेन ने इस हमले की अभी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है अब वो किस दिशा की तरफ जाएगी, और इन ड्रोन अटैक का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, पुतिन अगला एक्शन क्या लेंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार बने। संजीव, रूस ने अपनी तरफ से कई दावे किए हैं कि ये जो अटैक है सिर्फ और सिर्फ पुतिन की हत्या के लिए, पुतिन को मारने के लिए, और क्या अपडेट्स हैं रूस की तरफ से? देखिए, ये आज बताया जा रहा है कि करीब अब से एक घंटे पहले ये रिलीज सामने आई है, जो कि रूस ने विजुअल्स के जरिए और अपने बयान के जरिए सामने किया है और कहा है कि ये हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है और यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है। इस हमले के पीछे यूक्रेन है और ये साजिश थी दरअसल हमारे राष्ट्रपति पुतिन को मारने की, ये राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये पूरा बयान जो है वही अपने आप में ये तय कर देता है कि बहुत ही ज्यादा नाराज है इस हमले से रूस, और उसे लग रहा है कि ये राष्ट्रपति पर जो हमला है ये उसके सम्मान के साथ कहीं खिलवाड़ किया गया है। तो जाहिर है कि वो जो रिएक्शन देगा वो बड़ा ही खतरनाक और भीषण होने जा रहा है। लेकिन अभी तक यूक्रेन की तरफ से ये दावा नहीं आया है कि ये हमले उन्होंने ही किए थे। देखिए, क्रेमलिन की जो सुरक्षा है, आप मानकर चलिए जैसे कैपिटल हिल को, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निवास है उसको जिस तरह से अभेद सुरक्षा में रखा जाता है, और वहां किसी ड्रोन का पहुंचना असंभव है, बहुत मुश्किल है कि वहां पर कोई ड्रोन पहुंच जाए। क्या क्रेमलिन के ऊपर यूक्रेन का दागा हुआ ड्रोन इतनी आसानी से पहुंच गया? क्या उसे कोई इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया? ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और ऐसे में जबकि पुतिन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, रूस ये दावा कर रहा है कि ठीक है संजीव, लौटेंगे आपके पास दोबारा अपडेट के लिए। तो उस वक्त की बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से अटैक हुआ है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए।